दोस्तों आपको आज मैं एक ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा जो पूरे भारत में पूरे वर्ल्ड में किसी को आती नहीं है, और हमें गोवा में इस रेस्टोरेंट के अंदर एक भाई ने सिखाई है जो यहाँ पे काम करता है। तो ये बियर आपने बहुत तरीके से खुलती देखी होगी, ओपनर से, इससे, उससे, कुछ लोग आजकल ऐसे भी खोलते हैं, कैसे करके खोलते हैं, या टेबल पर रखते हैं। उसने लेकिन रिक्वेस्ट करी है, कहता भैया यार मेरे को मेरी शक्ल मत दिखाना, मेरा नाम मत लेना और ना होटल का नाम लेना। तो दोस्तों आप सोच रहे हो पहले कि इससे खोलूँगा मैं, देखो ये लग रहा होगा पहला स्टेप बियर सामने रखनी है, ठीक है जी। दूसरा स्टेप टिश्यू पर इसके अंदर होते हैं ऐसे निकालने हैं, ठीक है जी। तीसरा स्टेप होगा बियर का ढक्कन खुलेगा भाई टिश्यू पेपर से, इसे खुलेगा टिश्यू पेपर से। हाँ कुछ पहले एक बार दिखा दो, ये लो जी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, देख लो ये कागज है जी, ये देखो हेयर कट फ्री, भैया ने बोल दिया जो दारू छोड़ेगा हेयर कट 100% फ्री। ओ तेरी सच में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना तहलका भाई। दोस्तों आपको आज मैं एक ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा जो पूरे भारत में पूरे वर्ल्ड में किसी को आती नहीं है, और हमें गोवा में इस रेस्टोरेंट के अंदर एक भाई ने सिखाई है जो यहाँ पे काम करता है। तेरे को कैसा लगा मैटर? खतरनाक है। तो दोस्तों ये देखो ये बियर है, और वैसे तो ये गंदी चीज़ है लेकिन पहले प्रमोशन नहीं करेंगे, पैसे नहीं मिले यहाँ से। तो ये बियर आपने बहुत तरीके से खुलती देखी होगी, ओपनर से, इससे, उससे, कुछ लोग आजकल ऐसे भी खोलते हैं, कैसे करके खोलते हैं, या टेबल पर रखते हैं। लेकिन अब बियर खोलने का नया तरीका पूरे वर्ल्ड में वायरल होने वाला है, ये वीडियो जाएगी कम से कम 200 मिलियन। वो क्यों जाएगी? क्योंकि तरीका ऐसा है कि पहले आप हंस के हो जाओगे लोट पोट। जी हाँ दोस्तों, बियर खोलने का तरीका भाई ने आके ऐसा बता दिया कि मैं हंस के पागल हो गया। ये तो कह रहा भैया एक चमत्कार हो गया या सपना देख रहा हूँ मैं, पहले इसकी आँखें खोल देता हूँ। इधर आ गया, आ गया, तो सपना नहीं देख रहा, ये देख तो चाटा लग गया, तो सपना नहीं देख रहा रियल में है तू। ये हैरान हो गया, कहता भैया ये हो क्या गया? हैरान इसलिए हो गया क्योंकि यार सच में मतलब चीज़ ऐसी कर दी उसने, मतलब बंदा यार इतना खतरनाक है यार, समझ ही नहीं आया उसने करा कैसे। उसने लेकिन रिक्वेस्ट करी है, कहता भैया यार मेरे को मेरी शक्ल मत दिखाना, मेरा नाम मत लेना और ना होटल का नाम लेना। तो उसने कई तरह की रिक्वेस्ट कर दी है, अब उसके पीछे रीज़न क्या है, या तो वो यहाँ पे काम करता है क्या है भाई, हमें कुछ बोलना सही नहीं है। तो भाई की बात को पूरा करेंगे और भाई का धन्यवाद करेंगे, ये ट्रिक वायरल होने वाली है पूरे वर्ल्ड में। और जो फॉरेनर भाई मेरी वीडियो देख रहा है तो कोई हिंदी भाई इसको ट्रांसलेट करके बता देना अंग्रेज भाई को कि भाई ऐसे ऐसे मैटर करा हमने, ठीक है ना। जो भी विदेशी भाई देख रहा है हमारी, हाँ क्योंकि विदेश में वायरल होगी वीडियो, विदेशी लोग ज़्यादा पीते हैं, है ना, विदेशी बंदे ज़्यादा पीते हैं। तो कोई भी भाई मेरे उनके साथ में रह रहा है, उनका दोस्त हो, तो उसको हिंदी में कर देना ट्रांसलेट, क्या कर देना हिंदी में ट्रांसलेट कर। हाँ, और भारत में जितने भी शौकीन बंदे हैं वो वीडियो स्किप नहीं करेंगे, सारी वीडियो स्किप करते हैं, ये नहीं करेंगे कि भाई दारू के शौकीन है वो, है भाई बिल्कुल बिल्कुल, तभी हम ये दिखा रहे नहीं तो हम दिखाने का कोई हमारा वो नहीं है। इसके बदले जूस पी ले गन्ने का, ठीक है भाई, क्यों मौसमी का तो नहीं पी सकते भाई, पाइनएप्पल का पी सकते हो आप। तो ठीक है भाई, अब देखते हैं आपको, ठीक है आपको एक खेल ऐसा दिखाते हैं जिसमें जैसे इसको लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ, ऐसे आपको भी लगेगा सपना देख रहे हो आप। तो दोस्तों आप सोच रहे हो पहले कि इससे खोलूँगा मैं, देखो ये लग रहा होगा कि भाई बियर का ढक्कन खुलने वाला है इससे, बियर का ढक्कन भाई इस तरीके से खुलेगा कि पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में अभी तक किसी ने जादू कह सकते हो, जादू नहीं बोलेंगे इसे, बोलेंगे बंदे का दिमाग कह सकते हैं, क्योंकि ये ओपनर से खुलता है बस, और खुलता है कुछ बंदे ऐसे खोलते हैं टेबल पे रखते हैं, वो समझ गए होंगे जो पियक्कड़ है भाई हमारे, ये ऐसे करके खोलते हैं। कुछ आजकल वैसे भी खोल रहे हैं यार, वो क्या नाम है ना जी, नहीं नहीं मुंह से भी खोल रहे हैं, मुंह से भी खोल रहे हैं, कुछ ऐसे भी खोल रहे हैं, सारे तरीके बता दिए मेरे, पहला ये हो गया, दूसरा ओपनर हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा मुँह हो गया, पांचवा बता देंगे। चलो जो ये बता रहे हैं ना, ये ऐसा होने वाला आज तक किसी ने नहीं बताया और कहीं नहीं देखा होगा। हाँ तो भाई ये बने रहो, क्योंकि जितने भी अक्कड़ भाई हैं जो रेस्टोरेंट बैठ के मेरी वीडियो देख रहे हैं, फटाफट से बियर उठाएंगे और क्या क्या करेंगे, पहला स्टेप बियर सामने रखनी है, ठीक है जी। दूसरा स्टेप टिश्यू पर इसके अंदर होते हैं ऐसे निकालने हैं, ठीक है जी। तीसरा स्टेप हो गया आपका, भगवान भला करे, ये टिश्यू पेपर को रखना आपने इसके ऊपर, इसके ऊपर रखना है, इसके ऊपर, हाँ आपने कर लेना इसको पूरा टाइट, पूरा पैक कर लेना है। अभी इसके ऊपर टिश्यू पर रखा मैंने, दोबारा देख लो कोई, तुम सोच रहे हो भाई इसके अंदर लोहा रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, कर रहे हो तो मैटर, कुछ लोग ना तो पता कमेंट कर देते हैं, एक सेकंड लगाते हैं, पहले देख लो वो देखते नहीं मेहनत है, कितनी मेहनत है, कितना क्या नहीं है, लाइव ही दिखा रहे भाई। बियर का ढक्कन खुलेगा भाई टिश्यू पेपर से, इसे खुलेगा टिश्यू पेपर से। हाँ कुछ पहले एक बार दिखा दो, ये लो जी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, देख लो ये कागज है जी, ये देखो कोई कुछ नहीं है, कैसा कुछ नहीं है मैटर, कुछ नहीं है भाई, ठीक है। इसके ऊपर रखा जी टिश्यू पेपर, तो सारे भाई देख रहे हैं, जितने भी पीछे होटल में बंदे खड़े हैं सारे के सारे देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आप भी देख लो, क्योंकि पीने वाले तो भाई ये वाला मैटर सबसे पहले करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई, जो पी भी रहे और देख भी रहे साथ के साथ, देखते रहो फॉलो करते रहो। हाँ पहले स्टेप कर लिया, इसको ऐसे कर लो पूरा टाइट कर लो, यहाँ तक घुमा लो, उसके बाद आपने क्या करना है, 3 बार इसको मूवमेंट मूव करना है, 3 बार, 1 2 और 3, और ये
आपका खुलिया नहीं, कुछ लोगों को ये भी लग रहा होगा कि क्या नाम है टिश्यू पेपर के अंदर जो डी वाला जो बोतल का ढक्कन था खुला होगा पहले से, ये लग रहा होगा पहले ये भी दिखा दो साला, इसमें भी गालियाँ पड़ सकती हैं हमें। ये देख लो जी हट जा, पूरा दिखा दे एक बार, उल्टा कर दो ना, उल्टा कर दो। हाँ ये देखो, ये भी नहीं खुला हुआ भाई, ये भी नहीं खुला हुआ। टिश्यू पेपर से खोलूंगा बियर का ढक्कन, टिश्यू पेपर से, जो भारत में आज तक किसी ने नहीं खोला है। देखो आपने लगा दिया, ठीक है, एक दो तीन, आगे हल्का सा आ जा। एक बात बता, टिश्यू पेपर से ढक्कन खुलने लग गए तो भारत में लोग पागल बैठे हैं हाँ भाई। फिर हाँ दीदी, इतने ध्यान से मेरी बातें सुन रहा है और मेरा साथ दे रहा है इसके अंदर, तू ये नहीं कह रहा भैया मत करो कुछ लोग परेशान हो जाएंगे, तो बता भैया दीदी भी तेरे को मारने आएगी। देखियो दीदी मारना थप्पड़ इसके, ये मारो इसके रेप्टा। हाँ दीदी भी, दीदी भी कभी कभी बियर पीते हैं, दीदी भी अच्छा, बहुत देर हो गई मैं भी सोच रही थी नहीं दीदी पता क्या है, अब ये देखो पीने वाले तो प्रमोशन तो नहीं होगी इसकी, प्रमोशन नहीं होगी। हाँ दीदी पीने वाले बहुत है, वीडियो सबने देख भी ली होगी अब तक। अब एंड में उनको एक ही मैसेज दूंगा भाई, मैंने जो वीडियो बनाई ना, ये हम तीनों का ये इरादा था, मतलब हम तीनों का ये मैसेज देना था कि भारत देश के अंदर नशा बढ़ता जा रहा है, नशे को कम करें आप, नशा बिल्कुल कम करें, नशा करना ही नहीं चाहिए। हाँ ये भाई जरा उधर बैठ, तू इतनी गंदी स्मेल मार रहा है, कितनी एक है दो तीन भी रखी दीदी इसने यार। घर वाले देख लेंगे ना, घर से बाहर करते अच्छा हानि भी रखे अंकल जी स्मेल एक्चुअली उसकी बीड़ी की स्मेल, बीड़ी की कर और बीड़ी की स्मेल आई थी। तो ठीक है दोस्तों, मेरा ये मैसेज देखो, गाली गाली मत लिखना कि सन्नी भाई क्यों पागल बनाते हैं हमेशा, हर चीज के पीछे मेरा मैसेज होता है। बताओ दीदी क्यों नहीं पीनी चाहिए बियर वगैरह? नहीं पीनी चाहिए, मैंने आज तक नहीं पी भी, अगर मुझे बियर का टेस्ट भी नहीं पता। नहीं नहीं वो तो अभी बियर से बाल धोने चाहिए, पार्टी वार्टी में तो पी लेते हो, बियर से बाल धोने चाहिए, जेन्युइन है, शैम्पू करें, शैम्पू के बाद अगर आप ये चाहते हैं कि आपके हेयर बहुत सॉफ्ट हो जाए तो बियर सच में है भैया, सच में ये टिप्स है हेयर के लिए जो मैं आपको हमेशा देती हूँ, स्किन की और हेयर के की जो टिप्स तो मैं आपको बता रही हूँ। इसको वॉश करना है बियर से, देन उसके बाद में हल्का सा मास्क लगाना है, आप देखेंगे आपके हेयर इतने बढ़िया इतने बढ़िया हो चुके हैं, आपको अपने आप से प्यार हो जाएगा। अच्छा जी सच्ची में आप बियर से और जो घर में क्लेश होने शुरू हो जाएंगे वो बीवियां गर्लफ्रेंड बोलेंगे भाई तू दारू पी के तेरे स्मेल आ रही है बालों वालों में से, वो नहीं फिर उसमें ये बोले कि तू नाले में गिर क्या है, बाल तो अच्छे हो रहे हैं ना, क्या टेंशन है आजकल। लेकिन नहीं नहीं ये मैटर बताओ, ये बियर कितने नुकसानदायक है ये बताओ मैटर पहले। बियर 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 दारू बीड़ी गुटखा छोड़ दो भाई, उसके ऊपर बड़ा बड़ा लिखा होता है कि सेहत के लिए हानिकारक है और तुम्हारी जान जा सकती है, सब कुछ बड़ा बड़ा लिखा होता है भाई। ये बस नहीं बियर पे तो खैर नहीं लिखा होता, लेकिन उस पर लिखा होता है क्या नाम है तेरा जो तंबाकू वगैरह गुटखा वगैरह सब पे लिखा होता है, सब पे लिखा होता है गुटखे पे तंबाकू पे भाई, जानलेवा है कैंसर हो सकता है। लेकिन भाई भारत देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में इतने दिलदार हैं वो भाई साहब, कैंसर का डरते ही नहीं है उनको, ऐसा लगता है कैंसर तो मजाक है भाई, गलत तो नहीं जिनके ऊपर बीतती है भैया उनको पता लगता है। हाँ तो भाई हाथ जोड़ के विनती छोड़ देना, ये आपके परिवार के लिए बढ़िया, आपके लिए बढ़िया, आपके बच्चों के लिए बढ़िया, आपके बच्चे भी चाहते हैं भाई मेरे माता पिता टाइम से घर पहुँचे और अपना साथ में टाइम स्पेंड करें, ये करें, सच्ची में एक बार हेयर वॉश जरूर करें, आपको अपने आप से प्यार हो जाएगा, इसको वहीं तक रखें, यहाँ से पीने नहीं धोए, क्या बात है सच। तो भाई बहुत प्यारा मैसेज दे दिया, गोवा में हम इंजॉय कर रहे थे दीदी मैं और पूरा पूरा परिवार हमारा इंजॉय कर रहा था, लेकिन अब ये सबसे बड़ी बात है कि भाई दारू छोड़ देना, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जो बंदा नहीं सुधर रहा ना उसका उसका इलाज क्या भाई, वो नहीं सुधर रहा तो उसका इलाज यही है, है क्या करो क्या कर दो उसको, तुमने बोला मनी मन क्या बोल दिया पता नहीं, अंदर अंदर बोल गया तू तो लागे बोल गया गोले गलाती। भाई बियर नहीं छोड़ोगे तो सबसे बड़ा उसका इलाज यही है। पता गोवा में ना भैया ये कह रहे थे बार बार के यहाँ पे ना हर जगह मतलब अलाउड कर रखे थे, कह रहे ये सब बंदों को बता रहे हैं कि नहीं पीनी चाहिए। दीदी मैटर तो क्लियर करो कि क्यों नहीं पीने, मतलब अगर नहीं छोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, वार्निंग देना एक बार भैया, क्यों किस बात का कैंसर लेना और किस बात की प्रॉब्लम्स लेनी है, नींबू पानी पिए, आपको अच्छी हेल्दी टिप्स लेनी चाहिए स्किन के लिए, स्किन के लिए अगर आपको हेल्दी टिप्स चाहिए तो नींबू पानी जितना हो विटामिन सी ले, बीटरूट खाएं, ये पी सकते हो जैसे मैं ये पी रहा हूँ, ये पी सकते हो, ये कभी कभी पी सकते, नहीं ये भी मैंने 50 साल की उम्र में भैया गिन के ये पेप्सी वगैरह जो भी सब होती है पेप्सी काट देना, ये पेप्सी वगैरह जितनी होती है मैंने मैक्सिमम सिर्फ 5 बार पी है। अच्छा जी दोस्तों देखो जो नहीं छोड़ेंगे ना उनको एक ही बात बोलूँगा, आपका तहलका भाई एक ही बात बोलेगा,
आपका आपके फूफा जी की कसम, नानी की कसम, नाना की कसम, मौसा जी की कसम, बच्चों की कसम, छोड़ देना भाई, हाथ जोड़ के विनती है। ज़िंदगी बहुत प्यारी है, शानदार है, गजब की है, एक बार ये जी के देखो बिना दारू के, बिना गंदे काम के। सही है, जूस पियो, जूस। कोल्ड ड्रिंक क्यों पी रहा था फिर तू भी? कोल्ड ड्रिंक पी रहा था तू भी? कभी कभी, डेली पियो जूस। बाकी एक सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, जो भाई दारू छोड़ेगा उसको मेरी तरफ से बहुत बड़ा तोहफा है। गोवा की ट्रिप फ्री? नहीं, गोवा की ट्रिप फ्री नहीं है, इसकी जूतों की दुकान है बहुत बड़ी, पूरे भारत में फेमस है जूतों के मैटर में, एक से बढ़कर जूते हैं। नहीं के बाद डिस्काउंट मिलेगा 30% का जो दारू छोड़ेगा भाई, बिल्कुल भाई, तो भाई। लेकिन पता कैसे लगेगा? नहीं, जो दारू छोड़ेगी एग्रीमेंट बनवा देंगे उसका, एग्रीमेंट पक्का करा देंगे। और 40% डिस्काउंट मेकअप पे और हेयर कट पे जो दारू छोड़ेगा। हेयर कट फ्री, भैया ने बोल दिया जो दारू छोड़ेगा हेयर कट 100% फ्री। ओ तेरी, सच में क्या हेयर कट आपके लिए फ्री है? हेड वॉश आपके, हेड वॉश आपके लिए फ्री है। और बोलो, मेरे भाई ने बोल दिया तहलका भैया की जय, बच्चों के लिए हेड वॉश और साथ में आपका, दोबारा बोलो, बच्चों के लिए हेड वॉश, क्योंकि हेड वॉश ऐसे करना चाहिए। और लोग क्या करें भैया, बच्चों को सिर्फ शैम्पू यूज कर रहे हैं, तो अगर आपके घर में बच्चों को हेयर की प्रॉब्लम है जिसमें हेयर डैमेज हो रहे हैं बच्चों के, तो उन छोटे छोटे बच्चों के लिए हेड वॉश 100% जेन्युइन फ्री है ज्वाइनल्स में भैया की वजह से। साथ में हेयर कट भी 100% फ्री है। तहलका भैया का नाम आना चाहिए, बस बस तहलका बहुत तगड़ा मच गया भाई, जूतों में भी और दीदी के सलून में भी। छोटे की शॉप सुभाष नगर में और दीदी का रजौरी गार्डन में, एक ही नाम है जोई नेल। ठीक है भाई जी, भाई शू गार्डन सर्च करो और जोई, क्या सर्च करो? शू गार्डन और जोई नेल सर्च करो। और शू गार्डन पे ये बता, जो जूते बंदे लेने आएंगे उनको, मेरे को ये तो बता तेरे पास जूते बड़े खतरनाक लेवल के हैं, देख के पसंद आ जाएंगे ना? बिल्कुल, अरे मैं कह रहा हूँ पसंद, एक लेने आएंगे वो 10 लेके जाएंगे। सही है, फायदा करवा दिया फिर से। तहलका भाई के पेज पे हमेशा फायदे मिलेंगे आपको, बड़े लेवल के फायदे। और मेरा सेकंड पेज है तहलका भाई, उसको फॉलो कर लेना यार, उस पर मैं बहुत भाइयों की हेल्प करता हूँ और दिल से करता हूँ और तहलका मचाता हूँ। और बहुत सारे चाहने वाले मेरे पूरे भारत देश में, वर्ल्ड में हैं, एक दिन सबके लिए बहुत अच्छा करूँगा, बढ़िया करूँगा। सही है, सही है। फेसबुक से लेके यूट्यूब तक छारा, वो है हमारा तहलका भाई, करता है केयर, दे दो तुम देयर, कॉमन नहीं बंदा है रेयर, दिल्ली का लौंडा ये सबसे अलग है। तहलका मचाता है ये, तहलका मचाएगा।